लातेहार जिला मुख्यालय स्थित होटल द ब्लिस में राष्ट्रीय जनता दल अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता राजा दीवा जिलाध्यक्ष दीपक यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोग संगठन के आदमी, हम लोग संगठन करता है, एक संगठन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि हम युवा के संगठन को मजबूत करें। और सिर्फ संगठन अगर मजबूत हो तो सिर्फ हम सिर्फ लातेहार जिला में नहीं, हम पूरे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड में हमारा संगठन मजबूत हो और पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल आपका वर्चस्व हो। लेकिन जहां तक आपका है चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव लड़ने की अभी तो हम लोग इसमें हैं, हम लोग गठन इसमें चुनाव लड़े हैं, लेकिन महागठबंधन के तहत हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं, लेकिन आगे क्या होगा इस पर निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग युवा के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, इस पर निर्णय लेंगे। और हम लोग को आदेश मिला है आप लोग पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में संगठन को मजबूत कीजिए, उसी के लिए हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। इसका जवाब तो वही देंगे, आप लोग को जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा, दिख जाएगा सामने। और संगठन चाहता है, कार्यकर्ता है कि हमारा संगठन मजबूत है तो हम चुनाव लड़ें। और हम लोग ने कार्यकर्ता की जो भावना है इससे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय तेजस्वी यादव जी को हम अवगत करा चुके हैं हम लोग की संगठन की हमारी क्या स्थिति है। संगठन मजबूत रहे, हमारे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां संगठन मजबूत होगी, जहां पे हम मजबूत होंगे। उनका विधानसभा में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति है। अब जंगली क्षेत्र में यातायात का बहुत खराब साधन है, वहाँ बिल्कुल ना कहीं ना रोड है, किसी गांव में जाइएगा तो वहाँ बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, यानी गरीब के प्रति कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो सरकार तो आप ही का है, गठबंधन का, फिर भी ये समस्या है तो आप देखिए, सरकार में हम लोग हाँ मानते हैं, लेकिन क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो हमारे वर्तमान विधायक में इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण से विधानसभा का विकास पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या आप करने वाले हैं? इसके लिए हम लोग हर जगह बैठ बैठ कर उसको निदान निकाला है, सब बहुत कुछ समझाया, आश्वासन भी दिया है। और अभी अभी युवा कमेटी का विस्तार हुआ है, अब यह कमेटी के माध्यम से बहुत कार्य हम लोग पूरा करने वाले हैं, जो कार्य अधूरा है। ऐसे हम लोग को अभी विधायक मंत्री है नहीं जो अपने पैसा से लगाकर किसी कार्य को पूरा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गरीब गुरबा के बाल बच्चे को शादी ब्याह हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इसमें मैं अपने निजी खर्चा से काम करता हूं और 4 वर्षों में 200 से अधिक कार्यक्रम मैं क्षेत्र में किया हूं।